स्क्रीन रिकॉर्ड स्क्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। चलिए तो 9 लोग हैं, अंत तक आप लोग बने रहें, और कोई यदि क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरीके में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ एक बार बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ अपनी शॉर्ट ट्रिक वगैरह साझा करते चलें। कोई क्वेश्चंस है आपके पास में है बढ़िया, तो उसको भी बताते जाएं, जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक हो उसको भी बताएं मेरे माध्यम से, क्लास के सभी विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिले। चलिए चलिए मित्रों, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कहा गया है कि सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट, आपके पास जो सारणिक है वो है एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स का क्यूब। अगला है वाई, फाइव वाई क्यूब और 10y की पावर 5, ओके। और आपके पास है 3, 9 और 27 में, है ना, के प्रसार में कौन सा गुणक सम्मिलित है। इसका यदि आप प्रसार करेंगे तो प्रसार में इसके कौन सा गुणक सम्मिलित है। हाँ सर बताइए। इसका आएगा x माइनस 3 कल ये क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा ये हो जी चुका जी है। हो चुका है कल। अच्छा ये कल करवा चुके हैं क्या हम? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आएगा जी सर, ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। और इसको करने का और इसको सबसे करने का तरीका है c1 tends to c1 minus c3। और शॉर्ट ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी पता करना है कि कोई किसी का गुणक है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, इसके ऑप्शन को 0 से कंपेयर करिए। हाँ बिल्कुल सही, x इक्वल टू 3 रख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये सवाल हो चुका है आपने बताया। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है आव्यूह, आव्यूह आपके पास फॉर्म दिया गया है एक्स वाई, वाई प्लस जेड, ओके, देन जेड एक्स, जेड प्लस एक्स और वाई जेड एक्स प्लस वाई का सारणिक क्या होगा। इसका आपको सारणिक बताना है कि इसका सारणिक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर बी है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। ऑप्शन नंबर सी है वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी है जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इसमें करने के तरीके दो हो सकते हैं, एक अपना जो पुराना तरीका है जिसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। डी आ रहा है क्या? हाँ जी सर बिल्कुल सही जवाब है, इसमें डी आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसमें देख करके तुक्का मारा होगा। हाँ जी, जी तो बहुत सारे लोग देख करके इसमें तुक्का मार सकते हैं कि सर यदि अपन इसमें r1 tends to r1 plus r2 plus r3 कर दें, r1 tends to r1 plus r2 plus यदि हम r3 कर दें तो ये डेल्टा इक्वल टू ऊपर बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी बन गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ आ जाएगा देखिए 2x plus 2y plus 2z, तो कॉमन लेने पर 2 times x plus y plus z। अब आप यहाँ से जो है 2 times x plus y plus z, x plus y plus z यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी के एक्सप्रेशन आपके पास नीचे लिख दीजिए जेड एक्स वाई जेड, ओके, और यहाँ पे जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो अब सर कॉमन लेने के बाद आप कर लेंगे तो कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मेथड वही है जैसा हम पहले करते रहे हैं, इसी को कर लेंगे आप लोग। कर लेंगे सर सभी, कोई दिक्कत तो नहीं ना कि करूं पूरा? कर लेंगे सर लोग, हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल नोट करिए सभी लोग, अगला सवाल इंटीग्रेशन का आया हुआ क्वेश्चन कई बार है। अगला सवाल है इंटीग्रेशन है आई कॉस एक्स अपॉन 1 plus sin x और मल्टीप्लाई बाई 2 plus sin x। चलिए अब बताना है आपको कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। बताइए मित्रों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए क्या, हाँ बताइए सर इसका इंटीग्रेशन।
अच्छा सर ऑप्शन दे सकते हैं? बिल्कुल सर, ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। लॉग में इसका आंसर आएगा? हाँ सर, ऑप्शन लिखिए सर। ऑप्शन है ए। वैसे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है सर इस क्वेश्चन का, क्योंकि पूरा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन इसके लॉग में दिए हैं सर। लॉग में ही होगा? हाँ लॉग में तो होगा, और चारों ऑप्शन इसके लॉग में दिए गए हैं, तो ऑप्शन से कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं सर जी। तो इसको सॉल्व करिए सर, सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। सर? हाँ सर। लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स प्लस सी। लॉग वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स प्लस सी। वेरी गुड सर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स को टी ले लेंगे, तो लेट टी इक्वल टू साइन एक्स सर डी टी बाई डी एक्स। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर वन प्लस साइन एक्स सीधा सीधा लीजिए ना। सर वन प्लस साइन एक्स को क्या कह रहे हैं आप, टी ले लें? हाँ पूरा पूरा वन प्लस साइन एक्स को टी ले लीजिए सर। ठीक है, बात वही है। देखिए सर तब भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, है ना? हाँ 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 हाँ। और बस ये पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सिंपल हो गया सर। ठीक है भाई, टी और टी प्लस वन बन जाएगा ये, है ना सर? जी 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 जी। और वैसे भी ले लेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, जोड़ देंगे टी घटा देंगे तुरंत हो जाएगा ना सर। चलिए सर तो वैसे ही कर लेते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स का मतलब सर डी टी हो जाएगा, है ना सर? और ये हो जाएगा टी और टी प्लस वन। ठीक है सर, ऊपर जोड़ दीजिए घटा दीजिए बस। देखिए सर यदि इसको मेरे को चाहिए यहाँ पे, तो टी प्लस वन और टी, और मुझे ऊपर बनाना है वन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टी प्लस वन माइनस टी, है ना सर? और अपॉन जी सर टी इंटू टी प्लस वन। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, पहला वाला टी प्लस वन से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, कितना आएगा सर, वन अपॉन टी माइनस, है ना, वन अपॉन टी माइनस टी अपॉन, मतलब वन अपॉन टी प्लस वन अपॉन टी प्लस। ये देखिए सर, तो ये अपने पास आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डी टी, तो ये हो जाएगा सर लॉग टी, लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस वन। तो क्योंकि टू प्लस साइन एक्स है, वन प्लस साइन एक्स माना है अपन ने, तो अपन ने टी किसको माना सर, वन प्लस साइन एक्स को। हाँ तो लॉग ऑफ वन प्लस साइन एक्स और अपॉन में लॉग ऑफ टू प्लस साइन एक्स। ठीक है सर, क्योंकि टी अपॉन टी प्लस वन बन जाएगा जी सर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ, मॉड लगाइएगा जरूर, वन प्लस साइन एक्स अपॉन टू प्लस साइन एक्स। बिल्कुल सही जवाब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन लिखिए, यदि यदि टू इंटीग्रेशन ऑफ टू की पावर एक्स अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स, टू की पावर एक्स अपॉन वन माइनस फोर की पावर एक्स जो है इक्वल टू के साइन इनवर्स टू की पावर एक्स प्लस सी हो, तो बताइए के का मान क्या होगा। कोई शॉर्ट ट्रिक लगने से रही, कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर संभव नहीं है, इसलिए बताइए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा आपको, आपको ऑप्शन बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करके बताइए, काफ़ी सरल क्वेश्चन है सर। इसमें डीएक्स तो लगा होगा ना? रूट नहीं है यार, रूट क्या? क्या सर? सर रूट है कि नहीं नीचे? सर सॉरी, रूट है क्या? हाँ सर रूट है सर, रूट है, रूट है, एग्जैक्टली सर। हाँ जी सर, बस 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 अब काम हो गया सर। बताइए सर। ठीक है, वैल्यू वन अपॉन लॉग टू बेस सी आ रही क्या? कितना आ रहा है सर, लॉग ऑफ वन अपॉन कितना, लॉग ऑफ टू बेस ई, लॉग ऑफ वन अपॉन लॉग ऑफ टू बेस ई आ रहा है क्या?
मतलब आपका कहना है कि k इक्वल टू वन अपॉन लॉग ऑफ टू बेस e, मतलब यदि ऊपर चला जाएगा तो आपका कहना है वन अपॉन मतलब सीधे सीधे लॉग ऑफ e बेस टू आएगा, ये कहना आपका। गलत कह रहे हैं सर, ये नहीं आएगा। चलिए सर देखिए, करें इस क्वेश्चन को। देखिए सर क्या दिया है, इंटीग्रेशन में हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर एक्स। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। बताइए सर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जी 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 है ना। अब देखिए सर अगर आप यहाँ पे 2 की पावर एक्स को टी ले लेते हैं, लेट 2 की पावर एक्स इक्वल टू टी, तो डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए, यानी 2 की पावर एक्स लॉग ऑफ 2। तो 2 की पावर एक्स यहाँ पर 2 की पावर एक्स लॉग ए आ गया, तो यहाँ पर 2 की पावर एक्स डी एक्स बनेगा डी टी बाई लॉग 2। तो आइए सवाल क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स की जगह डी टी, और लॉग 2 को एक काम करिए कांस्टेंट मान के सबसे दूर रख दीजिए लॉग 2, और अंडर रूट 1 माइनस टी का स्क्वायर। चलिए तो ये क्या बन गया अपने पास, 1 अपॉन लॉग 2 बाहर आ गया और हो गया साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स यानी कि टी साइन इनवर्स टी, तो 1 अपॉन लॉग 2 और ये हो गया साइन इनवर्स 2 की पावर एक्स। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि इसके साथ कौन बैठा हुआ है, सो करेक्ट आंसर है के, है ना, 1 बाई लॉग 2। तो करेक्ट आंसर है इसका सी, डी आंसर सर, आई थिंक मैंने डी दिया है। सर सी का कोई मतलब नहीं है, वो सी का कोई मतलब नहीं, वो तो बाहर है सर, है ना। नहीं लॉग उसमें साइन वर्स के एंगल में लिखा हुआ है ना। नहीं सर ये एक्चुअली बाहर था उसमें, है ना, ये बाहर था सर, वो मिसप्रिंट हो गया है ना। तो के की वैल्यू है सर 1 अपॉन लॉग 2। तो आपने जो बोला था 1 अपॉन लॉग 2 बेस ई, मैं लॉग 2 ही बोला था, लेकिन आप लिखे थे गड़बड़, अगर लॉग 2 ही बोला था ना, अगर ई बेस 2 बोले होते तो काम चल जाता सर, है ना। चलिए चलिए सर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल लिखिए सर, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताइए मित्रों। बहुत ही बढ़िया सवाल, एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छा सवाल है और टीजीटी में अक्सर पूछा गया है। बताइए क्या करेंगे, पर माइनस एक्स कॉमन है को ऊपर भेज दीजिए। हाँ सर क्या कह रहे हैं, ई पर माइनस एक्स कॉमन करके ऊपर भेज दीजिए सर। हाँ माइनस वन सर, माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, माइनस वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स, बिल्कुल सही जवाब सर। देखिए कैसे करेंगे सर इसको, कि डी एक्स है ये है 1 प्लस ई की पावर एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये डी एक्स है, देखिए सर 1 प्लस ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स प्लस 1, और पलटी मार करके ई की पावर एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा। अब मैं इसे लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ पर है 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको टी मानेंगे तो ये पूरा का पूरा डी टी बनने को तैयार है, सो आई इज इक्वल माइनस वन बाई टी प्लस ऊपर हो जाएगा टी, और यह हो जाएगा टी का स्क्वायर। सो अब फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो टी की पावर माइनस टू डी टी है ये, ओके,
तो ये हो गया टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, यानी टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन मतलब माइनस वन अपॉन टी, और टी का वैल्यू है माइनस वन अपॉन टी की वैल्यू ली हमने वन प्लस ई की पावर एक्स। तो करेक्ट आंसर यही है जो आपने कहा, वेल डन। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ें, इजाज़त है। जी सर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आपको इंटीग्रेट करना है i इज़ इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स लॉग एक्स और लॉग लॉग एक्स। ये आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए इंटीग्रेट करिए, एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स। बताइए सर, किसको क्या करेंगे, कैसे चलेगा क्वेश्चन? ये बिल्कुल सही सर। अगर हम log ऑफ log x को t सपोज कर लेते हैं, सो वन अपॉन log x और वन बाई x, मतलब ये हो जाएगा log 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 x जाएगा। ओके, सो सर ये हो गया डी एक्स अपॉन लॉग 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 एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। जी जी, लॉग 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 एक्स प्लस सी। जी जी सर, थ्री टाइम लॉग आएगा। तो देखिए सर, डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इक्वल टू हो गया अपने पास कितना सर, ये हो गया डी टी। तो ये हो गया वन अपॉन टी और ऊपर हो गया डी टी, मतलब दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी। तो इसका जो आंसर आएगा, जो सर कह रहे थे कि लॉग ऑफ एक्स प्लस का सी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलें सर, क्लियर है? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। करिए सर, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ रूट एक्स डी एक्स। बताइए, कोई आइडिया है कैसे क्लिक करना है क्वेश्चन? हाँ सर, रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा आराम से। रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर, फिर रूट एक्स को टी मान लीजिए। हाँ। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो जाएगा। अच्छा अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है कि आप रूट एक्स का ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, और ये अपने पास रूट एक्स एक टी बन जाएगा, है ना, और वन अपॉन टू रूट एक्स मतलब टू कॉस टी डी टी हो जाएगा। क्यों सर? जी सर, जी सर, टू टी कॉस टी। तो एक तरीका तो ये है। ओके ओके सर, एक तरीका तो आपने ये बता दिया, एक तरीका आपने बता दिया कि सर रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे रूट एक्स की व्यवस्था बन जाएगी। एक तरीका और है सर, कि आप यहाँ पर एक्स की जगह टी स्क्वायर ले लें। एक्स की जगह क्या ले लें? टी स्क्वायर। तो अगर आप इसको एक्स के डिफरेंशिएट कर दें, वही आएगा। हाँ बात वही है सर, बिल्कुल बात वही है, एक ही बात है। चलिए आपके तरीके से कर लेते हैं सर, है ना। तो आपके तरीके से यदि देखें तो आपने कहा कि कॉस रूट एक्स है, तो रूट एक्स का नीचे डिवाइड कर दीजिए और रूट एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और रूट एक्स को टी ले लें, टी इक्वल टू रूट एक्स। सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू रूट एक्स, वन बाई टू रूट एक्स, ये होता है। ओके, तो यहाँ पे वन बाई रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि हमें चाहिए है वन बाई रूट एक्स और साथ में डी एक्स इक्वल टू हो गया टू डी टी। तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू डी टी। तो इंटीग्रेशन बन जाएगा रूट एक्स की जगह टी, और ये हो गया कॉस टी, और यहाँ पे हो गया टू डी टी, तो टू बाहर आ गया और टी इधर आ गया। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, तो इसे मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसे मानेंगे सेकेंड। ये एलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये सेकेंड बन गया। चलिए लगा देते हैं, आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन,
का होल इंटीग्रेशन एक बार फिर करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन तो वही चीज लेके साइन बदल देना चाहिए, टी साइन टी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। वैल्यू पुट कर दीजिए तो टू रूट एक्स साइन टी की जगह रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स। बताइए सर यही आया है क्या प्लस सी? जी जी सर यही आएगा। चलिए सर तो ये भी सर टू का मल्टीप्लाई पूरे में होगा ना, तो टू बाहर ब्रैकेट में, टू का मल्टीप्लाई पूरे में होगा सर, तो यहाँ पे टू आ जाएगा सर। हाँ सर हाँ ठीक है ठीक है सर ठीक है। और साइन टी का हो गया माइनस का कॉस टी जी। अगला क्वेश्चन लिखिए सर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस की पावर माइनस सिक्स एक्स डी एक्स, कॉस की पावर माइनस सिक्स एक्स एक्स डी एक्स। चलिए बताइए सर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर माइनस सिक्स एक्स डी एक्स। बता रहा सर एक हो गया सर। हाँ हो गया, इसमें एक कॉस को नीचे ले लीजिए, कॉस के पावर सिक्स एक्स हो जाएगा, एक कॉस को साइन के साथ ले लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक को सेक ये हो जाएगा सेक हो जाएगा, इसमें जब लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स उसको भी टेन में तोड़ दिया जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक इंटू सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स को टी मानेंगे आराम से हो जाएगा। देखिए सर अपने पास ये अपन ने कॉस की पावर सिक्स एक्स को नीचे ले गए तो कॉस की पावर फोर एक्स हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो बन जाएगा ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। हाँ सर हाँ मैडम सर इस टाइप के क्वेश्चन में बीटा गामा फंक्शन जो होता था नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा मैडम इसलिए लगा सकते नहीं मैं सर लिमिट कहाँ है ना, मगर उसमें लिमिट चाहिए हमें, उसमें इसमें लिमिट नहीं है, अनडेफिनेट है तो उसमें नहीं लगा सकते है ना मैडम। ठीक है सर थैंक यू। अभी मैं करवाऊंगा बीटा गामा भी करवाऊंगा। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे अपने पास में बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए कॉस की पावर फोर एक्स। अब देखिए हम जानते हैं कि टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सर बताइए अब कैसे इसको सेक की फॉर्म में लाएंगे, क्या आइडिया है? नहीं सर ऊपर ले जाइए ना सेक के पावर फोर एक्स लिख दीजिए, एक सेक स्क्वायर एक्स पे लिख दीजिए वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर साइड में रख लीजिए। बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात बताई सर ने। सर का कहना है कि देखिए भाई टेन स्क्वायर एक्स है और आप यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये देखिए डी एक्स, ठीक है ना। अब ये देखिए ये किसी भी हाल में हमें टेन की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू ये हो टेन स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर एक्स dx। अब मैं आपको बता दूं मित्रों कि ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये क्वेश्चंस इतनी हड़बड़ाहट में हमें वहाँ पे याद नहीं आते, यहाँ पर आपको बड़े ईजिली लग रहे होंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बड़े ईजी हैं, बट वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि आपको यही क्वेश्चंस जो हैं ये याद आराम से नहीं आते। क्यों सर मेरी बात सही है क्या? हाँ सर सही कह रहे हैं लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं है सब कुछ। सर इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इससे ज्यादा क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, वैसे ही क्वेश्चन छोटा एकदम। ये इसमें जो बीटा का फंक्शन की बात कर रहे हैं जो साइन के पावर एम और एन होता है हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं ना? हाँ सर पॉजिटिव, हाँ सर बिल्कुल सर पॉजिटिव होते हैं, मैंने इसीलिए उसकी बात रोक दी सर। जीरो टू पाई बाई टू लगाएंगे तब भी नहीं लग पाएगा। बिल्कुल सर मैंने इसीलिए बात रोक दी है कि यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन एक तो लिमिट नहीं है, है ना, और दूसरी चीज़ सर वो पॉजिटिव पावर के लिए लगता है बीटा गामा, है ना जी। जी सर जी टेन स्क्वायर एक्स टेन की पावर फोर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखिए टेन एक्स को टी ले लीजिए तो आई इज इक्वल टू ये हो गया टी की पावर टू और ये हो गया टी की पावर फोर, और sec स्क्वायर dx जो है अपन ने इसको t ले लिया है तो ये बन जाएगा dt। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ गया टी क्यूब बाई थ्री और प्लस t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो t क्या था अपने पास 10x। बोलिए बन जाएगा ठीक है मित्रों आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल,
अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x का dx क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x का dx। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें आपके पास में केवल हाँ बिल्कुल सही है, खंड पार्ट लगना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, खंडशः समाकलन इसमें लग जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसमें तो ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं अपन, वही फर्स्ट और सेकेंड लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल dx। ये टू से टू फिर से कैंसिल हो गया, आइए तो ये हो गया अपने पास कितना, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस, अब फिर से यहाँ पे ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो गया वन, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर 2x अपॉन 2, ये हो गया ठीक है, e की पावर 2x अपॉन 2 और का होल इंटीग्रेशन, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस, ये माइनस खोल दीजिए तो x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया और e की पावर 2x अपॉन 4 का फर्स्ट, इतना ही ख़त्म हो गया प्लस c, ओके क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन में एलसीएम लेकर के किया गया है, तो ऑप्शन में एलसीएम लेकर के किया गया है और किस तरीके का ऑप्शन आया है मैं आपको लिखा देता हूँ, 1/4 बाहर आ गया है, मतलब पूरे का एलसीएम 4 है और e की पावर 2x भी कॉमन ले लिया है, 1/4 e की पावर 2x कॉमन ले लिया है, ठीक है ना सर। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 2x है तो इसमें यदि कॉमन ले लेंगे आप तो देखिए यहाँ पर आपके पास में आएगा 1/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस कितना 1 प्लस सी, और यही इसका आंसर है 1/4 e की पावर 2x 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फिर भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगला भी क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन का पावर 4x dx। चलिए 1 प्लस साइन का पावर 4x, वो रजिस्टर ले जाओ यहाँ से और उसमें कॉलम्स बना दो, फीस रजिस्टर में कॉलम्स बना देना। चलिए बताइए मित्रों, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को लेट कर लेंगे सर, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को लेट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लेट करना पड़ेगा, केवल साइन एक्स को लेट कर लेंगे, नहीं सर साइन एक्स को लेट करने से काम नहीं बनेगा सर, स्क्वायर एक्स को लेंगे तो देखिए सर साइन स्क्वायर करके भी हो जाएगा, हाँ सर साइन स्क्वायर एक्स को ही लेट करना पड़ेगा, और तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये 1 प्लस है, ये है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप चाहें तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई भी कर दें, बट ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। अब ले लीजिए आप जो है 1/2 tan inverse sin square x, बिल्कुल सही है सर आंसर, 1/2 tan inverse sin square x। मित्रों क्या इसका सॉल्यूशन बताऊं कि कर लेंगे सभी लोग, सर कर लिया हो गया बहुत ओके सर, ठीक है सर। अब ऐसे हमारे पास कोई क्वेश्चन इजी आते हैं तो हम लोग जल्दी से ही कर लें तो बेहतर है हम लोग के लिए, उस पर अपन समय न लगाएं, किसी का भी आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी एपी का पहला पद 2 है, मतलब कोई एपी है इसका पहला पद जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं वो कितना है 2 है, और पहले 5 पदों का योगफल, जो पहले 5 पदों का योगफल है यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 जो है वो इसके बाद के 5 पदों के योगफल के बराबर है, मतलब a6 प्लस a7 प्लस a8 प्लस a9 प्लस a10 के बराबर है, तो आपको बताना है बराबर नहीं है, पहले 5 पदों का योगफल जो है बाद के 5 पदों के योगफल के 1/4 के बराबर है, 1/4 के बराबर है, तो आपको बताना है कि श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, आपको बताना है कि श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा,
चलिए बताइए कि श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। श्रेणी के प्रथम सर इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। हाँ, इसका आपको फर्स्ट टर्म ए दिया गया है, आपको फर्स्ट टर्म बस ए दिया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया गया है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे गिवन कंडीशन से। हाँ बताइए सर, सॉल्व करके बताइए सर। देखिए कंडीशन क्या दी गई है सर, कंडीशन दी गई है कि शुरुआत के 5 पदों का योग, तो सर शुरुआत के 5 पदों का योग होगा S5 और बाद के 5 पदों के योग का 1/4, यानी 1/4 ऑफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, इसको मैं लिख सकता हूँ S10 - S5। बताइए मित्रों मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4S5 = S10 - S5। तो यहाँ से S5 यहाँ चला जाएगा और ये बन जाएगा 5 times of S5 = S10। मतलब कि 10 पदों का योग जो है वो शुरुआत के 5 पदों के योग के किसके बराबर है, 5 गुने के बराबर है। बिल्कुल सही, शुरुआत के 5 पदों के योग के 5 गुने के बराबर है। अब आइए देखिए इसको क्या है, हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, 5 पदों का योग, तो 5 × 5/2 फॉर्मूला लगा दिया n/2 2a + n-1 × d, तो 2 × 2 यानी कि 4 प्लस 5 - 1 यानी कि 4d बराबर n/2 बोले तो 10/2 और 2a यानी 4 प्लस 10 - 1 × d मतलब कितना हो जाएगा अपने पास में 10 9d, ये हो गया अपने पास में। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 25, 25 × 4 प्लस 100d बराबर 10 × 40 प्लस 90d। ओके, यहाँ से आएगा कितना, ये 10 में से 90 गए, 10d बराबर माइनस का 60, तो d का मान कितना आ गया, -6 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास d का मान -6 आ चुका है। अब हमें बोला गया है कि शुरुआती 10 पदों का योग ज्ञात करो, हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, तो हम शुरुआती 10 पदों का योग करिए। मित्रों आप फाइंड करके बताइए कि शुरुआती 10 पदों का योग क्या होगा, a 2 है और d -6 है, आपको बताना है कि शुरुआती 10 पदों का योग क्या होगा। -500 सर। -500 सर, कुछ ऐसा लग रहा है गलत कर रहे हैं अपन, -500 लाके। देखिए सर S10 शुरुआती पहले 10 पदों का योगफल 10/2 2a यानी 2 × 2 = 4 प्लस 10 - 250 आ रहा सर, -6। हाँ सर मुझे भी लग रहा था -250 4 - 36। चलिए सर -250 तो ये कितना हो गया सर, 32 हो गया क्या सर माइनस का ना, ठीक है सर। यहाँ पर 9 6 = 54 होगा ना। अरे हाँ सर 9 6 = 54 बिल्कुल सही सर, यहाँ पे -50 तो हो गया भैया माइनस का 250 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, आ गया सर सभी को समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों, अगला सवाल देखते हैं कि क्वेश्चन है कि यदि किसी जीपी के 3rd, 8th, and 13th पद PQR हो, यदि कोई जीपी है आपके पास में उसका 3rd पद जो है वो पी है, 8th पद जो है वो क्यू है और 13th पद जो है वो आर है, ओके, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। आपके सामने विकल्प दिया गया है, ठीक है ना, विकल्प है Q² = P × R, बी से बी वाला विकल्प है R² = P × Q, सी विकल्प है आपके पास में PQR = 1 और D = 2P = Q + R। सर आपने कहा पहला सही है, क्यों सर, क्या क्या रीजन है, फर्स्ट सही है सर, फर्स्ट T8 जो होगा ना वो AR के पावर 7 होगा। हाँ। और T3 होगा AR के पावर 2 होगा, AR के पावर 12 होगा, इसका स्क्वायर कर दे क्यू का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अच्छा बिल्कुल सही सर, एक तो ये बात कही। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपके पास जीपी के ऐसे टर्म दिए गए हैं जो समान दूरी पर हों, 3 और 8 के बीच की दूरी कितनी है 5, 8 और 13 के बीच की दूरी कितनी है 5, अगर समान दूरी पर
जीपी के पद दिए जाएं तो वो पद खुद में भी क्या बनाते हैं, जीपी बनाते हैं। ट्रिक लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए, जीपी में किसी जीपी में समान दूरी पर स्थित पद जीपी बनाते हैं। स्वयं में जीपी का निर्माण करते हैं, जीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अगला सवाल बेहद सिंपल है ना। किसी एपी के पी प्लस क्यूए और पी माइनस क्यूए पद का योग कितना होगा? एपी के पी प्लस क्यूए और पी माइनस क्यूए पद का योग कितना होगा? ऑप्शन है ना, टू पी एथ टर्म, टू टाइम्स ऑफ पी एथ टर्म, टू टाइम्स ऑफ पी एथ टर्म। ऑप्शन नंबर बी टू टाइम्स ऑफ क्यू एथ टर्म। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टू पी एथ टर्म। और ऑप्शन नी नंबर डी टू क्यू एथ टर्म। बताइए, इसको तो लंबा लगाना पड़ रहा है, देखते हैं कोई शॉर्ट कट तो नहीं। जी वो पिछली बार एक बार क्वेश्चन बताया था कि पी क्यू टू जीरो उसी से लगेगा क्या ये? नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है सर, बहुत ही सिंपल है। ए पी का पी प्लस क्यू का पद ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, टू टाइम पी टर्म सर। हाँ, टू टाइम्स पी टर्म, बिल्कुल सही सर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, करेक्ट सर, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, टू टाइम पी एस टर्म बन जाएगा सर। नहीं सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन। सर पिछले वर्ष इसी का फोटोकॉपी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, वो क्वेश्चन उठाते हैं। किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद अगर x है, अगर किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद x है और उसके पदों का योगफल 5 है, पदों का योगफल 5 है, तो आपको बताना है किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, x है, ठीक है ना, और पदों का योगफल 5 है, तो आपको बताना है कि इनमें से सत्य कौन सा है। ए ऑप्शन, x का मान माइनस 10 से कम होगा। बी ऑप्शन, x का मान माइनस 10 से लेकर शून्य के बीच में होगा। सी ऑप्शन, x इज बिटवीन 0 टू 10 एंड डी ऑप्शन, x इज ग्रेटर देन 10। चलिए ये आपको बताना है कि क्या सही होगा। इसमें सर इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल सर, इनइक्वालिटी से ही आएगा क्योंकि ऑप्शंस में इनइक्वालिटी है, इसका मतलब इनइक्वालिटी से ही बनेगा और कोई चांसेस नहीं है सर इसमें। ए अपॉन x अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए 0 टू 10 हो जाएगा सर। देखिए सर, 0 टू 10 मतलब कि ये वाला ऑप्शन कह रहे हैं आप, है ना, ये वाला। चलिए देखते हैं सर, हमारे पास जानते हैं कि s इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस r, और कंडीशन क्या होती है कि मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1। ओके, तो एस इन्फिनिटी दिया गया है 5 और ए है एक्स और 1 माइनस आर, तो यहाँ से हम देखिए 1 माइनस आर को ऊपर ले गए और ये बन गया एक्स अपॉन 5। ओके, तो 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू आर, मतलब आर इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 5। अब हम जानते हैं कि r इज़ लेस देन 1 को खोल करके लिखते हैं, r इज़ बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1, इक्वल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स अपॉन 5, 5 माइनस एक्स अपॉन 5 इज़ बिटवीन माइनस 1 टू प्लस 1। अब इसमें पूरे में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 माइनस एक्स इज़ बिटवीन माइनस 5 टू प्लस 5। अब क्या कर दीजिए, पूरे में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -5 -5 -10, 5 में से 5 गया, ये बचा माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 5 माइनस 5 यानी कि 0। माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो x की वैल्यू जो 0 से छोटी थी
जो जीरो से छोटी थी वो कितनी हो जाएगी, 10 से छोटी हो जाएगी और जीरो से बड़ी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर x का मान शून्य से लेके 10 के बीच में लाई करेगा। बताइए सर, समझ और कोई शार्ट कट पीछे लगाए थे क्या सर, सर इससे ज़्यादा? हाँ सर, आप बताइए सर, आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या यही शॉर्टकट था आपका? जी हाँ जी सर। सर हाँ सर, हाँ सर एक जगह थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ सर, यहाँ पर जब आपने किया 5 - x / 5 की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच लाई कर रही है। हाँ, यहाँ से क्लियर कर दूँ? जी जी जी। देखिए सर, जो क्या होता है जीपी का जो फॉर्मूला होता है a/(1 - r), s इन्फिनिटी इक्वल टू होता है a/(1 - r), तो जीपी अनंत पद की जो बनती है वो भैया वो बनती है कन्वर्जिंग सीरीज। कन्वर्जिंग मतलब किसको बोलते हैं, क्या अपन अपसारी श्रेणी, अपसारी श्रेणी, तो अपसारी श्रेणी बनने के लिए ही तब ये योग इसका निश्चित आता है। और उसके लिए जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सर्वांतर होता, सर्वानुपात होता है, उसका मान 1 से कम होता है उसके मापांक का। और मापांक का मान 1 से कम होना मतलब उसकी वैल्यू -1 से लेके +1, ये आप याद कर लीजिए, ये तो फॉर्मेट ही होता है कि अगर मॉड ऑफ आर लेस देन ए, इसका मतलब आर का मान -a से +a के बीच में होता है। जब मैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो आर माइनस 1 यूज होगा ना, अगर आर की वैल्यू कंफर्म करता है तो। R की वैल्यू अगर की वैल्यू अगर सर 1 से बड़ी होती से देन होगी तो ही नहीं, इनफिनिटी बराबर इनफिनिटी हो जाएगा। इनफिनिटी टर्म में R इज नॉट ग्रेटर देन 1। हां, R को 1 से बड़ा नहीं होगा। हां, तब आपका अनंत पद आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे वो, ठीक ना, सीरीज आपकी डाइवर्जिंग निकल जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बोलिए सर, अब क्लियर है यहां पे सर इतना? जी सर, अब क्लियर हो गया। कर लेंगे आगे का कि करूं? नहीं सर, अब तो अब मैंने डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से किया था एक लाइन में। हाँ, मैंने 5 में क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया था 1 - r का। हाँ, और मुझे पता है r स्मॉल होता है 1 से। हाँ, इसीलिए मैंने वहाँ पे स्मॉल वैल्यू रखी, तो मुझे एक आइडिया हो गया कि आंसर इसके बिटवीन आने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, एक ही वैल्यू तो बट x है सर, यहाँ पे एक ही वैल्यू पूछी गई है सर, ये हो जाएगा ना, सम तो दिया है ना हमें 5। हाँ, 5 इज इक्वल टू x/(1 - r)। हाँ चलिए, 1 - r का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया 5 में। एक मिनट सर, एक मिनट, 5 (1 - r) इज इक्वल टू x। देखिए सर, 5 इज इक्वल टू x/(1 - r), आगे बोलिए सर। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया हमने 5 (1 - r) हाँ इज इक्वल टू x। ठीक सर, अब हमने यहाँ पे r का वैल्यू रख के देखा ना, r का वैल्यू 1 से ग्रेटर देन तो आएगा नहीं, नहीं कभी नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने पहले 1 रखा यहाँ पे, तो 1 रखने पे 0 आ रहा है। हाँ, जो इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन है। ठीक है, और -1 रखने पर अपने पास 10 आ रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए इन्होंने लिमिटिंग, इन्होंने लिमिटिंग वैल्यू निकाल ली, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हल्का सा ऐसे इस्तेमाल कर लिया कि ओरली किया सर, मेरे पास पेन पेंसिल नहीं है, ऐसे मैं किया। समझ गया सर, देखिए हम क्या कहते हैं कि आर का मान -1 से लेके 1 के बीच में होगा, मतलब टच मत करना। तो इन्होंने कहा हम टच कर देते हैं और टच करके छोड़ देंगे उनको, भाई बाद में जो आंसर आएगा टच करके छोड़ देंगे। तो आर का मान -1 रखा तो 5 × 2 हो गया, यानी कि x बराबर 10 हो गया। तो उन्होंने कहा x जो हम 10 छुएंगे नहीं तो 10 से कम हो गया, और r का मान 1 रखा तो इसका मान 0 हो गया, तो बोले हम 0 भी नहीं छुएंगे, तो वैल्यू जो हो गया 0 से 10 के बीच में। ये इक्वलिटी नहीं लगती है इसमें, लग रहा है मुझे। हाँ सर, सर मैं लास्ट में आया लेकिन मुझे लग रहा है इनफाइनाइट टर्म की जीपी का सम वगैरह की बात चल रही है क्या? हाँ सर, आप बिल्कुल सही आए हैं, मगर वो सर डिस्कस कर रहे हैं, आपका कहना आर का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। हाँ 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 सर, मॉड और लेस देन 1 होने पर ही संभव होता है अनंत टर्म का जीपी का सम। वही सर, सूरज सर, मगर हमारे जो सर जी जुड़े हैं एक साथ में, उन्होंने क्या कहा कि सर देखिए हमने डायरेक्टली कर लिया शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन, है ना, उनका लॉजिक है कि देखिए हम कोई इनको 0 को 10 को छूना नहीं है, हाँ या ना। तो उन्होंने कहा कि s इन्फिनिटी बराबर 5 है, तो 5 × 1 - r = x, ठीक है ना, और बोले r का जो मान है -1 से लेके +1 के बीच में तो होता है, मगर हम 1 छू नहीं सकते हैं और ये वाला -1 छू नहीं सकते हैं, तो चलो छू करके वैल्यू निकालते हैं। तो एक जगह आ गया 10 और एक जगह आ गया 0,
और जब जीरो जब 10 नहीं छू सकते मतलब 10 पे क्या रहेगा ओपन। सर जी आप जो पहली लाइनियां लिखे हैं ना वही लाइन चिल्ला रही कि r does not equal to 1 पहली बात तो। मैं समझ गया सर आपकी बात, मगर वो सर ने अपना लॉजिक पेश किया इस बात को मैं बता रहा हूँ, और लॉजिक हमको बिल्कुल जो मेथड है वो पता है कि जो r का मान होता है वो लेस देन 1 होता है केवल। हाँ मॉड आर लेस देन 1 होने पर ही इनफिनिट जीपी का सम संभव है। बिल्कुल सर, तभी वो कन्वर्जेंट बनती है। बिल्कुल कभी वो कन्वर्जेंट बनती है, इसका सम जा करके एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। जी 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 हाँ सर, तो वो सर एक उन्होंने ट्रिक बताई उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। चलिए खैर अगला क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सूरज सर कहाँ चले गए थे, आपके बिना मजा नहीं आता है। अरे सर थोड़ा सा वो भोजन कर रहे थे। भोजन कर रहे थे। चलिए सर, तो भैया क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो आपको बताना है a बी सी बी सी ए और सी ए बी का मान। मैंने आपको इसके पहले भी इसकी ट्रिक बताई है कि इसकी ट्रिक क्या होती है। चलिए बताइए, तो आपको बताना है कि इसका मान आपको इस डिटरमिनेंट का मान बताना है। बता रहा सर, बता रहा। हाँ सर, सर ए प्लस बी प्लस बी फोर ब्रैकेट में ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आएगा क्या? सर ऑप्शन में लिखे देता हूँ आपके लिए, ऑप्शन में लिखे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 32, ऑप्शन नंबर बी है -64, ऑप्शन नंबर सी है -128 और ऑप्शन नंबर डी है 64। नहीं पता है, चलिए सॉल्व करें सर इसको। जी जी पहली चीज मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसा एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ए बी सी का मान धनात्मक है, ए बी सी का मान क्या है धनात्मक है, तो ये जो डिटरमिनेंट होगा इसका मान नेगेटिव आएगा, याद रखिएगा। और अगर ए बी सी का मान ऋणात्मक है, अगर इसका मान ए बी सी जो है ये ऋणात्मक है तो इसका मान जो जो डिटरमिनेंट इसके अंदर है, हाँ जो इसके अंदर ए बी सी बैठे हैं, अगर ये तीनों ऋणात्मक हैं तो इसका मान धनात्मक आएगा सर डिटरमिनेंट का। ठीक है सर, ये ट्रिक है, याद कर लीजिए। बोलिए। ठीक है सर, ठीक। अब आगे चलते हैं भैया। आपको याद होगा मैंने बताया था कि भैया ए बी सी बी सी ए और सी ए बी ये जो होता है इसको सॉल्व करने पर आता है माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ये मैंने बताया था आपको कि माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC का नेगेटिव आया करता है। अब भैया दिक्कत क्या है, हमारे पास इसकी तो कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु हमारे पास ये पता है कि ये जो वैल्यू होती है क्लास नाइन्थ में फार्मूला ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना सर, और माइनस ए बी माइनस बी माइनस 64 होगा क्या, माइनस सी ए होता है, माइनस 64 ही होगा। बिल्कुल सही सर, माइनस 64 ही है। तो देखिए सर ये हो गया माइनस, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको दे दिया गया है 4। अब बची बात इसको निकालने की, तो हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अच्छी बात ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमको जीरो दिया गया है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे ये वाला टर्म कितना हो गया जीरो, ओके जीरो, ये वाला टर्म जीरो हो गया। तो हमारे पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो कि चार है, और चार का स्क्वायर हो जाएगा सोलह, तो यहाँ तक का वैल्यू हो गया सोलह और आगे का वैल्यू है जीरो, तो आंसर सोलह गुणे चार बराबर माइनस का 64, नोट कर लीजिए, है ना। इस तरीके से ये प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया था लेकिन क्वेश्चन ठीक। चलिए अब देखिए, इसमें हम आपको जो ट्रिक हम आपको बताए हैं उस ट्रिक का भी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी, ये जो ट्रिक है हमने बताया माइनस, है ना, हमने क्या बताया माइनस ए क्यूब प्लस बी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये हमने आपको बताया। तो ये जो है माइनस, ये हो जाएगा भैया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है सर, माइनस ए प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का क्या सी ए। अब ध्यान से देखिए सर, यदि मैं माइनस वन अपॉन टू यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ और ये ए प्लस बी प्लस सी रहे, तो मुझे इसे बनाना पड़ेगा टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये तो हमेशा धनात्मक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी धनात्मक होगा तो धनात्मक गुणे ऋणात्मक बराबर ऋणात्मक आएगा, मतलब यदि तीनों में ए प्लस बी प्लस सी का मान ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा का मान क्या आएगा नेगेटिव, और अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान नेगेटिव है तो माइनस वन बाई टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, और ब्रैकेट में वो स्क्वायर लगे हैं पूरे के पूरे, तो वो तो नेगेटिव हो नहीं सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा आपके पास इसका, नेगेटिव पहले में हो गया और दूसरे में नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, आ गया समझ में? जी सर आ गया। हाँ तो ट्रिक जो बनेगी वो क्या बनेगी, ट्रिक ये बनेगी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी के लिए जो ट्रिक बनेगी कि इसका मान अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डेल्टा का मान नेगेटिव होगा, और अगर ए प्लस, अगर आपके पास में ए प्लस बी प्लस सी का मान लेस देन जीरो है तो डेल्टा का मान पॉजिटिव होगा। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन था, और अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो मान जीरो होगा सर, तो मान जीरो हो जाएगा सर, वो तो सर वो वैसे ही दिख रहा था ए प्लस बी प्लस सी, आर तीनों को जीरो का जोड़ देंगे, आर वन आर टू आर थ्री समान बन जाएगा, तो यहाँ पे तीनों का योग चार दिया था सर, तो मान नेगेटिव होगा, मतलब दो ऑप्शन तो पहले यही कट गए थे, है ना सर, 50-50 का मामला बच गया था, ऐसा हो गया। चलिए मित्रों, तो अब जो है बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे, आज की क्लास को यहीं पर सीमित करते हैं, ठीक है सूरज सर? हाँ हाँ सर एकदम ठीक है सर, एकदम आखिरी में आया सर। हाँ 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 ठीक है सर, ओके सर, कल मिलते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।